हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल D++B में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे EVS की, और हर रोज आपका EVS का लाइव क्विज होता है, लेकिन आज जो है EVS की एक एक्सप्लेनेशन क्लास है, थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम। जैसे हर रोज मैं आपसे क्विज पूछता हूं तो हर बार मुझे एक कमी महसूस होती है कि आप लोग आधे क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, आधे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि एक आधी डिस्कशन क्लास आपके साथ जरूर होनी चाहिए, ताकि एक ही क्लास में आपके कम से कम 8-10 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं किसी एक टॉपिक से जुड़े हुए, वो आपको क्लियर हो सके। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग किस चीज के साथ आएंगे वीडियो में, हम लोग आएंगे कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ नीतियों के बारे में बात करेंगे। तो आज उसी टाइप के कुछ हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वो है प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, और तीसरा है आपकी राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सीटेट 2019 जो आपका होने वाला है जुलाई में, अगर आप उसकी ईवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, और हमारी ऐप है बैक टू स्कूल के नाम से एंड्रॉयड ऐप, उसे डाउनलोड जरूर कीजिए, ताकि जब भी मेरी क्लास होनी हो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपने प्रोजेक्ट्स, आज की अपनी नीतियों को। हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? पहला टॉपिक रहेगा हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कब से हुई, वो सब हम डिस्कस करेंगे। किस किस का योगदान रहा, इसके क्या उद्देश्य है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत थी वो 1973 में हुई, 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। और ये इनिशिएटिव दिखाने वाला कौन था, इसकी पहल करने वाला कौन था? तो इसकी पहल करने वाली थी हमारी केंद्रीय सरकार, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर अनाउंस किया, उसे लागू किया, और उसके बाद जो है कुछ बाघ संरक्षण केंद्र बनाए गए। बाघ संरक्षण केंद्र का मतलब है कि उनके जो कंजर्वेशन सेंटर होते हैं वो बनाए गए, चाहे आप उन्हें सेंटर बोल लो, चाहे आप उन्हें एरिया बोल लो। तो कंजर्वेशन एरियाज बनाए गए, मतलब संरक्षण क्षेत्र बनाए गए, और कितने बनाए गए? 42 बनाए गए, 42 बाघ संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किए गए। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, इनमें बाघों को संरक्षण दिया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है वो अभी आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से, लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि संरक्षण सभी जानवरों को मिलता है, लेकिन मुख्य जो है वो बाघ को रखा गया, कि कुल मिलाकर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघों को कोई भी क्षति, कोई भी नुकसान किसी भी तरीके का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो है बाघ संरक्षण केंद्र स्थापित किए। 1980 तक, मतलब 1973 से लेके 1973 से लेके 1980 तक, मतलब 1980 तक ये जो साल रहे, इनमें 100%, मतलब 100% जितना भी खर्चा हुआ वो किसने किया? वो किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन अब उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टेबल हो गया, जब ये स्थिर हो गया और ये कामयाबी की तरफ जाने लगा, तब केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अपने साथ मिलाया, मतलब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें अपने साथ मिलाया। जिस राज्य में जो बाघ संरक्षण केंद्र था उसकी जो है जितना भी उस पर खर्चा होता है उसमें मिलाया गया हमारी राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। कब मिलाया गया? 1980 में। 1980 तक पूरा खर्चा जो होता था वो केंद्रीय सरकार का होता था, लेकिन अब जो होता था वो बट गया केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो मुख्य उद्देश्य आपके सामने हैं, कितने उद्देश्य? 4 मुख्य माने जाते हैं, बाकी होते बहुत सारे हैं, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से। पहली बात है मानव प्रभाव मुक्त बनाना। मानव प्रभाव मुक्त मतलब देखिए, अगर नॉर्मल कोई जंगल है, नॉर्मल कोई फॉरेस्ट है, तो उसमें मानव अपने फायदे के लिए जाएगा, या तो शिकार करेगा, या तो पेड़ों को काटेगा, या तो बाघों के आवास को क्षति पहुंचाएगा, मतलब जहां बाघ रहते हैं उनके रहने के स्थान को क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बाघों को नुकसान होता है, मतलब अगर आपका कोई घर उजाड़ दे तो आपको रहने में कितनी दिक्कत आएगी। सेम चीज बाघों के साथ होती है, अगर उनका घर उजाड़ दिया जाए तो उनको भी दिक्कत आएगी। तो इसी तरीके से जो है मानव से प्रभाव मुक्त बनाने के लिए जो है ये पहल थी।
उसके बाद है कि बाघों को सुरक्षित करना था, मतलब उनका शिकार होने से बचाना था, क्योंकि एक समय पर जो है उनकी गिनती जो हुआ करती थी 1910 के आसपास, उससे पहले 40,000 हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद ड्रामेटिकली चेंजेस आए, मतलब बहुत जल्दी गिरावट आई और 40,000 की गिनती 2,500 पर आकर रुक गई। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो था वो सबको साफ साफ दिखाई दिया और सुरक्षित करने की बात की गई। उसके बाद बात आती है शिक्षा एवं मनोरंजन। इसका मतलब ये नहीं है कि बाघों के साथ खेला गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि शिक्षा और मनोरंजन के लिए उस स्थान को इस्तेमाल किया गया। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जिम कॉर्बेट पार्क है या काजीरंगा है, तो उनमें क्या होता है, उनमें होता यह है कि जो लोग जाते हैं वो शिक्षा के पर्पज से भी जाते हैं। मतलब वहां गए हो तो आपको शिक्षा क्या मिलती है कि बाघ किस तरीके से रहते हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, उनके उनको आजकल नुकसान क्या चल रहे हैं, मतलब जागरूकता आती है आप में। साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है, मतलब जब भी आप जाते हैं तो एनर्जी फील होती है आपको, एक चेंज फील होता है, मजा आता है जाने में। लोग घूमने के लिए जाते हैं लेकिन शिक्षा लेकर आते हैं, तो इस तरीके से, या कई बार होता है एजुकेशनल टूर भी जा सकते हैं इस पर, तो इस तरीके से शिक्षा और मनोरंजन के लिए जो है उस क्षेत्र को प्रयोग में लाया गया। उसके बाद है स्ट्राइक फोर्सेस। तो स्ट्राइक फोर्स क्या है, स्ट्राइक फोर्स जो है एक मान लीजिए जैसे आपकी कोई भी ग्रुप होता है, कोई भी संगठन होता है छोटा मोटा, जैसे कोई आपने एक टीम खड़ी कर ली, तो वो टीम का काम क्या है। कुछ पहले के समय में ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जहां बाघ होता नहीं था, सिर्फ ये घोषित कर दिया जाता था कि यहां बाघ है, और उस क्षेत्र में क्या होता था कि जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर लूटपाट की गतिविधियां हैं उनको अंजाम दिया जाता था। तो उनसे जो है सुरक्षा करने के लिए स्ट्राइक फोर्सेस को जो है लाया गया सामने। स्ट्राइक फोर्सेस क्या करती थी, अगर बाघ है तो उसकी सुरक्षा करेंगी, अगर बाघ वहां नहीं है तो इस टाइप की गतिविधियों को रोकेंगी, ये काम होता था स्ट्राइक फोर्स का। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए, इससे जुड़ी हुई कुछ और नॉलेज भी होगी तो और बेहतर होगा आपके लिए। तो साइड बाय साइड आप सर्च जरूर करते चलें, और अगर ये कंटेंट, ये इंफॉर्मेशन आपको काम की लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये कब शुरू किया गया, ये 1992 में, मतलब 1992 में शुरू किया गया, ठीक है। और किस चीज के लिए शुरू किया गया, जो हाथियों की संख्या थी उनको बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि हाथी के जो दांत होते हैं, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, वो बहुत महंगे बिकते हैं, उनकी तस्करी होती है। पहले क्या होता था, जो हाथी मर जाते थे उनके दांत इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब दांतों के इस्तेमाल के लिए हाथियों को मारना शुरू कर दिया गया। तो उस वजह से जो है ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये सामने आया। 12 राज्यों में ये जो है फैलाया गया कि 12 राज्यों में जो हाथियों की संख्या है उसे बरकरार रखा जाए, उसे बढ़ाया जाए, हाथियों को सुरक्षा दी जाए। कुल मिलाकर 12 स्टेट जो हमारे थे, लिस्ट जो है आप सर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मेरे पास एरिया थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कितने राज्यों में कार्यरत है वो आप सर्च करें, उसकी लिस्ट बनाएं, और अगर 12 से बढ़ गए हैं तो अपनी नॉलेज भी अपडेट करें। नेक्स्ट है मानव और जानवर की भिड़न। मतलब आप सभी को पता है कि जो हाथी है वो कई बार क्या होता है, गुस्से में आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। तो उस समय पर जब वो हमला करते हैं तो कई बार इंसानों पर भी कर देते हैं, उस समय इंसान खुद को बचाने के लिए हाथी को मार देता है। तो उस टाइप की भिड़न, उस टाइप की जो मुठभेड़ होती है, उस टाइप के जो झगड़े या लड़ाई होती है इंसान और जानवर के बीच की, उस सिचुएशन को रोकने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है कार्य में आया, मतलब क्रियान्वित किया गया, ताकि सिचुएशन ही ऐसी ना आए कि हाथी मनुष्य तक पहुंच पाए। तो इस टाइप से इसने काम किया। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा। तो देखिए, जो पशु होते हैं वो बीमारी की वजह से या किसी न किसी चोट की वजह से, जख्मी होने की वजह से, कहीं गिर जाने की वजह से जो है वो मर जाते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो है पशु चिकित्सा को उपलब्ध कराया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें काम में जुटाया जाए, और कोई भी जानवर जो है जैसे हाथी है वो किसी बीमारी से या किसी जख्म से ना मरे। नेक्स्ट देखते हैं अवैध शिकार से सुरक्षा। जैसा मैंने आपको बताया था दांतों के लिए शिकार किया जाने लगा,
तो उस अवैध शिकार से, मतलब देखिए अगर भिड़ंत हो गई है, जानवर इंसान से लड़ गया है, उस समय मारा गया, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सीधा सीधा जो है अपने फायदे के लिए उसका शिकार करोगे तो वो टोटली जो है वो अवैध शिकार है, मतलब गैर कानूनी है, गलत तरीका है उसका। तो उसे रोकने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये सामने आया। नेक्स्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाए गए, जागरूकता के जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें चलाया गया, किसके लिए, ताकि प्रोजेक्ट एलिफेंट से एलिफेंट में जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है बंदर एक मरणीय पशु। अब ये क्या चीज बोल दी मैंने, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के बीच में बंदर वाली बात कहां से आ गई, तो ये मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखी है। हाल फिलहाल में एक राज्य में ये सुझाव दिया गया है कि बंदर को मारने के लिए जो है अलाउ कर देना चाहिए, मतलब इंसानों को जो है आजादी मिलनी चाहिए कि वो बंदरों को मार सके। तो ये किस राज्य ने सुझाव दिया है ये आपको सर्च करना है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बताता हूं उस पर आप सच में काम करते भी हो या नहीं करते हो। अगर नहीं करते हो तो करवाने का कोई फायदा नहीं है मेरा, अगर करते हो तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके सामने अलग अलग जानकारी लेकर आऊं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिड़ियाघर नीति। तो चिड़ियाघर नीति क्या है और कब से लागू हुई? तो चिड़ियाघर नीति एक बहुत ही अच्छी पहल थी, और ये कब शुरू हुई, ये अक्टूबर 1998 में शुरू हुई, अक्टूबर 1998 में शुरू हुई। किस लिए शुरू हुई? बहुत ही अच्छा इसका मकसद था, शिक्षण और अवेयरनेस सेंटर बना दिया गया। मतलब जो चिड़ियाघर आपके होते हैं उन्हें आप क्या सोचते हो कि ये बस घूम के आने के लिए एक जगह है, लेकिन ये घूम के आने के लिए जगह नहीं है, ये शिक्षण के लिए, मतलब जो बच्चे होते हैं जो अपने पुस्तकों में पढ़ते हैं कि शेर कैसा होता है, हाथी कैसा होता है, उन्हें सच में ले जाकर दिखाने के लिए जो है शिक्षण के लिए ये जो है उपयोग होने चाहिए। उसके बाद है अवेयरनेस सेंटर, मतलब जागरूकता फैलाई जानी चाहिए इनके माध्यम से। कैसे जागरूकता ऐसे फैलाई जानी चाहिए कि जो चिड़ियाघर का जो भी स्टाफ होगा वो आपके साथ साथ घूमेगा, आपको उनके बारे में जानकारी देगा, बताएगा। तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। अब ये ऐसा करते हैं चिड़ियाघर वाले या नहीं करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो इसका मकसद था वो यही था। नेक्स्ट देखते हैं हेल्प एंड सपोर्ट। तो चिड़ियाघर को उसके उससे जुड़े हुए जितने भी आसपास के जो भी मुख्य जो कार्यालय होते हैं उन सभी से सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, मदद मिले, और उसके बाद चिड़ियाघर जो है अपनी चिड़ियाघर नीति जो है उसे फैलाया जा सके, इस सोच के साथ इसे शुरू किया गया था। अब मुख्य उद्देश्य इसका डिस्कस करते हैं कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या था, क्यों ये शुरू की गई। तो शुरू इसलिए की गई कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो संकटापन्न होती हैं, मतलब जो डेंजर में होती हैं, जो खतरे में होती हैं। अब उन प्रजातियों को जब ये लगे कि अब ये आगे नहीं बच पाएंगी, कि कहां आपके संरक्षित क्षेत्र में या जंगलों में नहीं बच पाएंगी, तो उन्हें वहां से निकालकर अकेले में, मतलब चिड़ियाघर में रखा जाए, ताकि एटलीस्ट उस बची हुई प्रजाति को कोई मार ना पाए। और मार ना पाए तो ये तो हुआ कुछ सालों का उपाय, लेकिन प्रजनन समन्वित करना उन्हें, मतलब समन्वित प्रजनन करवाना, मतलब कि किसी भी टाइप से जो है, मान लीजिए कि जितने भी आपके पास ब्रीड बची है उसका प्रजनन करवाना, रिप्रोडक्शन करवाना, और उनकी संख्या को बढ़ाना, मतलब ये मान लीजिए ऑलमोस्ट खत्म होने से लेकर उन्हें कुछ हद तक बढ़ा पाना, ये चिड़ियाघर नीति का उद्देश्य था। और उसके बाद जैसे ही उनकी प्रजनन करने के बाद थोड़ी सी संख्या बढ़े और वो थोड़ा स्थिर होना शुरू हो, उसके बाद उन्हें पुनर्वसित करना, मतलब उन्हें वापस से उनके संरक्षण क्षेत्र में छोड़ देना, ये चिड़ियाघर नीति का कार्य था। अंतिम अवसर होता है चिड़ियाघर नीति जो होता है वो अंतिम अवसर होता है, लास्ट चांस होता है किसी भी प्रजाति को बचाने के लिए, ये चिड़ियाघर नीति में बोला गया। उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस अवेयरनेस फैलाना, मतलब जो आपका पारिस्थितिकी जो संतुलन होता है उसे बनाए रखने के लिए जो अवेयरनेस, जो जागरूकता चाहिए, उसके लिए जो है इसका उपयोग किया गया। तो कुल मिलाकर जो है आज आपके सामने ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीन महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे वो आपके सामने मैंने डिस्कस किए, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे।
अगर आए हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये सेकंड चैनल है हमारा D++B Tube, इसे सब्सक्राइब जरूर करना है। आप में से आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपने अभी तक सब्सक्राइब किया भी है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसे सर्कुलेट कर दीजिए, ताकि आपका जो सर्कल है, स्टडी सर्कल जो है, वो बढ़ पाए और उसके बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सीटेट 2019 इस बार क्लियर करना है और बहुत ही जल्दी आपके सामने में पेडागोजिकल जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनको लेकर भी आने वाला हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस से कल सेम टाइम।